हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीसी डॉट दिव्या। और मैं हूँ दिव्या। आज मैं आपके लिए दाल तड़का और बॉयल्ड राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। कॉम्बो रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। दाल तड़का बनाने के लिए मैंने चार प्रकार की दाल ली है, चना दाल, तुअर दाल, मूंग दाल और हरे छिलके वाली मूंग दाल। ये चारों दालों को मिला के मैंने एक कप दाल ली है। मैंने इसे दो पानी से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। मैंने एक कप दाल ली है तो मैं इसमें डालूंगी दो कप पानी। दो कप मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर चौथाई चम्मच और नमक भी डालूंगी चौथाई चम्मच। मैं इसका कुकर का ढक्कन लगा के तीन सीटी आने का वेट करेंगे। जब तक हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं, मैंने एक चम्मच घी लिया है। घी मेल्ट होगा वैसे ही मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे आधा छोटा चम्मच। एक हरी मिर्च चॉप्ड कटी हुई। लाल मिर्च डालूंगी चौथाई चम्मच, क्योंकि मैंने लाल हरी मिर्च भी डाली है और तड़के में भी मिर्च डलेगी तो यहाँ पे लाल मिर्च हम थोड़ा कम डालेंगे। हींग डालने के बाद इन सबको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज और इसे भी मैं मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया एक चम्मच और इसे हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक दो तीन मिनट के लिए पका लेंगे प्याज को। ये देखिए हमारे प्याज थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लाल टमाटर। दाल तड़के में लाल टमाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दाल का कलर और दाल लुक वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। और मैं इसमें डालूंगी कस्तूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच डालूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर और नमक डालेंगे हम चौथाई चम्मच, क्योंकि मैंने दाल में भी नमक पहले डाल चुके हैं तो इधर नमक थोड़ा कम डालेंगे। और इन सबको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारी टमाटर की ग्रेवी भी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी दाल। मैंने दाल की तीन सीटी लेने तक बॉईल किया है और ये मैं इसके सारी दाल डाल दूंगी और इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद मैं इसमें लेड लगाकर 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख दूंगी। ये 5 मिनट बॉईल हो गई है। अब हम इसमें बना लेते हैं तड़का। मैंने तड़का पैन लिया है, इसमें आधा चम्मच मैं घी डालूंगी। हमारा घी मेल्ट होते ही मैं इसमें डालूंगी जीरा, हींग एक पिंच, लाल मिर्च पाउडर चौथाई चम्मच और हरा धनिया डालूंगी एक चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी लाल खड़ी मिर्च और इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी दाल के ऊपर डालूंगी दाल तड़का। और ये देखिए मैंने तड़का डाल दिया है और ये हमारी दाल तड़का बन करके तैयार हो गई है। इस रेसिपी में आपको चावल बनाने की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी। इस रेसिपी में हमें चाहिए चावल। चावल कोई महंगे वाले चावल लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चावल लेना है। मैंने एक कटोरी चावल लिए है, इसे हम पानी से वॉश कर लेंगे। पानी से वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चावल में वाइट कलर का पाउडर चिपका रहता है, उसे हमें निकालना है। इसे हम अच्छे से निकाल देंगे पाउडर को और ये पानी को फेंक देंगे। फिर से हम पानी डालेंगे और इसका व्हाइट कलर का पाउडर निकालेंगे। ऐसे हम दो बार करेंगे और व्हाइट कलर का पाउडर निकल जाएगा। और ये पानी को भी हम फेंक देंगे। अब हम चावल को आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। अगर आप जल्दी में हैं और आपके पास आधा घंटा पानी में भिगोकर रखने के लिए टाइम नहीं है तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। और आधा घंटा हो गया है, मैंने वो वाला पानी को फेंक दिया है। अब हम चावल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक तपेली ली है, उसमें मैं 2 ग्लास पानी डालूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी चावल। अगर आपके चावल बाउल में चिपक गए हो तो आप ऐसे करके सारे चावल निकाल सकते हैं और बाउल हमें साफ मिलेगा। अब इसी टाइम पे हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। आधा चम्मच नींबू का रस लिया है मैंने और इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक।
मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक डाला है और मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच घी। अगर आपको घी नहीं डालना है तो आप तेल भी डाल सकते हैं। और इसे एक बार मिक्स करके लेड लगा के 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल होने देना है। इसे बीच बीच में खोल कर हमें चम्मच से मिक्स नहीं करना है, नहीं तो हमारे चावल टूट जाएंगे और हमें खिले खिले चावल नहीं मिलेंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं हमारे चावल बॉईल हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऐसे मैं अपनी उंगली में लगाऊंगी और ऐसे दबा कर देखूंगी, एकदम सॉफ्ट हो रहा है चावल हमारे, तो मतलब बॉईल हो गए हैं। अब क्या करना है, अब हमें इसे छानना है। और आप देख ही पा रहे हैं एकदम खिले खिले चावल हमारे बने हैं। और ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आया और चावल की रेसिपी एकदम सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो। और ये हमारे खिले खिले चावल तो बन करके तैयार हो गए हैं। एक और बार मैं आपको बताती हूँ, एकदम एक एक चावल का दाना खिला खिला बना है और बिल्कुल भी चिपका नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे बाकी सोशल एप्लीकेशन पे भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, आप मुझे वहाँ पे जाके जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।